प्रिय छात्रों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दो बैलों की कथा का पठन किया था, जिसके अंतर्गत हमने कथा के लेखक प्रेमचंद का परिचय और पहला दिन पढ़ा था। पहले दिन में हमने जाना कि झूरी, जिसके दो बैल हैं हीरा और मोती, जो दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ ढोल धप्पा करते हैं, अर्थात एंजॉय करते हैं, और दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हीरा मोती झूरी की ससुराल में। संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया, अतः वे अड़ गए। झूरी का साला गया उन्हें आगे धकेलता तो वह पीछे जोर लगाते। बड़ी मुश्किल से वे सांझ को नए स्थान पर पहुंचे। वहां भी उनका मन न लगा, उन्होंने चारे में मुंह न डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। बैल वापस झूरी के घर। रात को दोनों बैलों ने कनखियों मतलब तिरछी नजर से एक दूसरे को देखा, चुपचाप सलाह की और पगहे तोड़कर, पगहे मतलब जिनसे रस्सी से उनको खूंटे में बांधा जाता है, तोड़कर झूरी के घर चल पड़ी। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर कुद हो गई। वे उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को खली चुनी चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से नौकर ऐसा ना कर सके। अर्थात बच्चों, जब हीरा मोती को झूरी ने अपने ससुराल भेजा तो उनका वहां मन नहीं लगा, अर्थात झूरी के बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि झूरी उन्हें बहुत प्यार करता था और बैल भी दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। और वो वहां गया के घर जब गए तो वो चुपचाप वहां से भागकर घर वापस आ गए। और जब घर वापस आए तो झूरी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया, और जब खुश हुआ तो उन्हें बेहद प्यार किया। गांव के सब लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन झूरी की जो पत्नी थी वो थोड़ा सा क्रोधित हो गई। कहने लगी, ये लोग कुछ काम करना नहीं चाहते, इसलिए वहां से भाग खड़े हुए हैं, इसलिए ये भागकर यहाँ पर आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे दिन में, कि हीरा मोती दोबारा झूरी के ससुराल में गए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा मोती को ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्हें हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने खींच कर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस ना हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, परंतु गली में लंबे लंबी रस्सियां थी, इसलिए पकड़े गए। बैल फिर से भागे। अगले दिन उन्हें फिर सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की दो रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप रह जाते। अगली रात उन्होंने रस्सी तोड़ाकर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी, लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण ना भागे। लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने भी उनका पीछा किया। गांव के और भी लोग पीछे हो लिए। दोनों रास्ता भटक गए।
नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। सांड से लड़ाई। अचानक उनके सामने बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए। मुकाबला कैसे करें? हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करें। उन्होंने यही किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट पर अपने सींग से हमला करता। सांड को दो दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और छोड़ दिया। हीरा मोती पकड़े गए। विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाने शुरू ही किए थे कि दो आदमियां लाठी लेकर आ गए। हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देकर देखा तो वापस लौट आया और वो आदमी उन दोनों मोती और हीरा को ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर दिया। अभी आपने देखा कि दोनों बैल गया के घर जाना नहीं चाहते। वहां से वो भाग आते हैं। क्यों भाग आए? क्योंकि शायद उन्हें गया का प्रेम अच्छा नहीं लग रहा था। गया के बेगाने घर में जाकर उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि गया उनसे प्यार नहीं करता था और झूरी उनसे बेहद प्यार करता था। उन्हें मारता नहीं था, चारे में खली डालता था। खली किसे डालती है कि सूखा भूसा जरा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए वो खली को खाने नहीं देता था। फिर वो जब वहां से भागने की सोच रहे थे तो वहां एक छोटी सी लड़की थी जो उनसे बेहद प्यार करती थी। उसे वो उन्हें दो रोटियां खिला जाती थी और रोटियां खाने के बाद उन्हें लगता था कि यहाँ पर भी कोई एक अच्छा इंसान रहता है। और जब उन्हें भागने का मौका मिला तो वहां से भागे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस लड़की की याद आ रही थी। उसकी उनकी भी लड़की से प्रेम हो गया था। वो लड़की भैरव की थी, गया के बड़े भाई की, परंतु उसकी माँ सौतेली थी। तो उन्हें लगता था कि उनका मालिक सौतेला गया भी है, तो दोनों का प्यार एक जैसा झलकता था और वो लड़की उन दोनों को वहां से भगा देती है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमें दूसरों के परोपकार का भी एहसान मानना चाहिए। उसके बाद जब वो आगे जाते हैं तो उनके सामने मुसीबत आ जाती है। सांड के सामने आ जाते हैं और सांड के सामने आने पर वो दोनों मिलकर लड़ते हैं। अर्थात जब मुसीबत आए तो डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। और दोनों ने डटकर सामना किया और सांड को हरा दिया। जब सांड को हरा दिया तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे भूख लगी थी, मटर का खेत मिला, दोनों ने मन से मटर खूब खाया, लेकिन खेत का मालिक आकर उन्हें पकड़कर ले गया। कहाँ ले गया? वो कांजी हाउस में। इसके आगे की कथा अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।